हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और हरा भरा की एक और हरी भरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज संडे का दिन है और मेरे गार्डन में काफ़ी सारे फूल खिले हुए हैं, तो मुझे लगा क्यों ना एक वीडियो बनाई जाए इस पर और आप लोगों के साथ शेयर करी जाए। तो आप लोगों को भी दिखाया जाए कि मेरे गार्डन में किस तरह के फूल और कौन कौन सी वैरायटियां इस टाइम ब्लूम हो रही हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आती तो लाइक करना मत भूलना और इस वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि आपको काफ़ी सारी वाइड वैरायटी में दिखाने वाला हूँ फ्लावर्स जो इस टाइम खिल रहे हैं। क्योंकि जैसा कि आपको पता है, समर सीज़न स्टार्ट हो चुका है, अप्रैल का मंथ चल रहा है और इस टाइम जो फ्लावर्स हैं पूरे ब्लूमिंग पे हैं। क्योंकि मई जून में जाके जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो फूल थोड़े कम होने लगते हैं, तो अभी ये वो टाइम है जिसमें सबसे ज़्यादा फ्लावर्स खिलते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं अडेनियम का सीज़न स्टार्ट हो चुका है और देख सकते हैं जरा कितने सारे फ्लावर्स मेरे प्लांट पे आए हुए हैं। आपको मैंने पहले भी वीडियो दिखाई थी अडेनियम की, मैंने उनकी रिपोर्टिंग की वीडियो आपके साथ शेयर की थी। और अब देख सकते हैं जैसा कि सीज़न आया तो कितने सारे ब्लूम्स इस टाइम ब्लूम कर रहे हैं। तो ये रहा मेरा अडेनियम मोबेसम, देसी वैरायटी है अडेनियम की, और इस टाइम देख सकते हैं कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। ये पीछे यहाँ पर आपके देसी पिटूनिया खिला हुआ है, देख सकते हैं। थोड़ा टेम्परेचर यहाँ पे ज़्यादा होने लगा है तो इसलिए देख सकते हैं थोड़ा सा पौधे मुरझा रहे हैं, क्योंकि लगभग टेम्परेचर 39-40 के अप्रोक्स चल रहा है। और ये देख सकते हैं कैलेंचोए अभी भी खिल रहे हैं, लगभग सीज़न इनका अब ख़त्म होने वाला है, बट तब भी इन पर अभी भी फ्लावरिंग हो रही है मेरे कैलेंचोए के प्लांट्स। देसी वाला कैलेंचोए है जो जिस पर रेड कलर के आते हैं, पूरे बंच खिलते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अडेनियम मेरा खिला हुआ है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं पर्पल पेंटास के फ्लावर्स खिले हुए हैं, काफ़ी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, बर्ड्स काफ़ी सारी आ रही हैं इसमें। तो देख सकते हैं कितनी सुंदर फ्लावरिंग है। इसी के जस्ट बराबर में लेंटाना भी खिले हुए हैं, हाइब्रिड वाले, छोटी छोटी लीव्स होती हैं, फ्लावर्स के छोटे छोटे गुच्छे खिलते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं। तो ये आ रहा है यहाँ पर, ये बर्बेनास खिले हुए हैं इधर, देखिए रेड कलर बर्बेन। लगभग अब इनका सीज़न कुछ टाइम बाद ख़त्म होने लगेगा। बर्बेना के जो प्लांट्स होते हैं लगभग चल जाते हैं पूरे सीज़न, बट इन पर थोड़ी फ्लावरिंग कम हो जाएगी अब जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। बट इस टाइम देख सकते हैं काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। बट अभी ये पिक्स डायंथस देख सकते हैं, छोटे छोटे खिले हुए हैं, कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, देखिए इनका भी सीज़न इस टाइम पीक पे चल रहा है। ये सब विंटर फ्लावरिंग प्लांट हैं बट अभी भी ब्लूम कर रहे हैं। और सबसे मेरे फेवरेट गंजानिया देख सकते हैं, रेड कलर काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सारे फ्लावर्स ब्लूम कर रहे हैं यहाँ पर। मेरे पास दो प्लांट हैं इस टाइम गंजानिया के, देख सकते हैं न्यू ब्लूमिंग भी है तो काफ़ी अच्छा। और अगर आप इनके फ्लू अगर आप सीड प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं जो इनकी इस तरह की बर्ड्स होती हैं, ये एक छोटी सी टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, तो आप अगर आप सीड प्रोडक्शन चाहते हैं तो आप इनको छोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इसको इस तरीके से पिंच कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके ज़्यादा बर्ड्स आएंगी और आपके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी सारे खिलेंगे आपके। और अगर आप सीड चाहते हैं तो इसे छोड़ दीजिए, ये सीड प्रोड्यूस कर देगा। और इसके जस्ट बराबर में देख सकते हैं गंजानिया वाइट कलर, इतना अच्छा शेड है, देखिए देखिए कितने सुंदर फूल है। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं क्रिसमस कैक्टस, देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग हो रही है, इतने टेम्परेचर में भी इसके फूल ब्लूम कर रहे हैं। रेड कलर का ये वाला मेरे पास इस टाइम ब्लूम हो रहा है। पिंक का सीज़न जो होता है वो विंटर्स का होता है, क्रिसमस के आसपास, बट इसका सीज़न अभी स्टार्ट हुआ है तो रेड कलर के इस टाइम फूल देख सकते हैं काफ़ी सारे आ रहे हैं। तो क्रिसमस कैक्टस रेड कलर, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और अब संकुलेंट की एक बहुत ही खूबसूरत वैरायटी जिसपे छोटे छोटे फूल आते हैं, ये है हमारा बेबी सनरोज। देखिए ज़रा फूल कितने प्यारे लगते हैं इसके, मेरे जो है फेवरेट संकुलेंट्स में से एक है। देख सकते हैं कितने खूबसूरत फ्लावर हैं और ये इसी टाइम खिलते हैं, लगभग 2 बजे के बाद आसपास इस पर फूल खिलने शुरू हो जाते हैं। तो कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे फूल हैं, देखिए ये है बेबी सनरोज।
दोस्तों अगला मेरा ये जो फ्लावर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ऑक्सालिस, ये तो अपना आप उग गया है। ये तो मैं एक संकुलेंट लेकर आया था, उसी के गमले में अपना आप हो गया। देखिए कितने फूल इसके बहुत सुंदर लगते हैं इस वाले ऑक्सालिस को। इसकी काफ़ी सारी वैरायटी है बट मेरे पास इस टाइम यही वाली है। देखिए कितने अच्छे फूल हैं। अब आपको दिखाता हूँ कुछ वाटर गार्डन में मेरे खिले हुए फूल। अभी इस टाइम तो जैसे लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो लगभग ज़्यादातर वाटर लिलीज बंद हो चुके हैं। बट ये जो ट्रॉपिकल वाटर लिली है निम्फिया की लार्गो, ये खिला रहता है लगभग 5:30-6 बजे तक। तो देख सकते हैं जरा इसकी ब्यूटी। ये है मेरे फेवरेट प्लांट्स में से एक है और इस टाइम काफ़ी सारी वाटर लिलीज मेरी ब्लूमिंग पे हैं, बट बाकी बंद हो चुकी हैं। आज इस टाइम जो खिल रहा है मेरा इस टाइम वो ये है, और देख सकते हैं काफ़ी सारी बर्ड्स भी आ रही हैं इसकी। तो ये मेरा की लार्गो, कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दिखाता हूँ फिर अगला प्लांट आपको। तो दोस्तों अब मैं दिखा रहा हूँ आपको अपने कैक्टस गार्डन में से कुछ प्लांट जो इस टाइम फुल ब्लूमिंग पे हैं। तो ये जो पहला प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है जिम्नोकैलेशियम एंटिस्टी, और काफ़ी खूबसूरत फ्लावर्स हैं। और आफ्टर लंच जो टाइम होता है लगभग 3 बजे के बाद, इसके फ्लावर जब टेम्परेचर काफ़ी बढ़ जाता है उस टाइम पर ब्लूम करते हैं। देखिए ज़रा कितनी खूबसूरती है, काफ़ी सारे फ्लावर्स इस पर आए हुए हैं एक ही प्लांट के ऊपर। तो ये है जिम्नोकैलेशियम एंटिस्टी। एज अ कैक्टस लवर मेरे को सबसे ज़्यादा जो प्लांट्स पसंद है वो कैक्टस हैं। तो अभी आपको आगे मैं वीडियो शेयर करूँगा आगे उनके प्रोपिगेशन से रिलेटेड काफ़ी। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ जिम्नोकैलेशियम एंटिस्टी। अब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट प्लांट। दोस्तों अगला कैक्टस है मेरा मैमलेरिया स्पेरिका। इस पर येल्लो कलर के काफ़ी अच्छे फ्लावर्स बनते हैं। देखिए यह मैमलेरिया स्पेरिका, इसे मैमलेरिया लॉन्गी मामा भी कहते हैं। इसे निप्पल कैक्टस भी कहते हैं क्योंकि जो इसका जो प्लांट होता है उसमें इस तरह की निप्पल्स लगी होती हैं, तो इसे निप्पल कैक्टस भी कहते हैं। तो देखिए जरा कितने खूबसूरत दो फ्लावर खिले हुए हैं इस पर। चलिए फिर अगला कैक्टस आपको दिखाता हूँ। यह लास्ट जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, यह जिम्नोकैलेशियम हाइब्रिड है एक। इसकी जो वैरायटी है मैं वो दाम ध्यान से उतारी है, बट हाँ जिम्नोकैलेशियम की एक वैरायटी है। तो देख सकते हैं कितनी अच्छी ब्लूमिंग इस टाइम हुई है इस पर। एक साथ 5-5 फ्लावर खिले हुए हैं, और ये जो फ्लावर्स होते हैं आफ्टर लंच खिलते हैं, और जब खिलते हैं तो बस बगिया में हमारे एक साथ एक ग्लो आ जाता है बिल्कुल। तो देख सकते हैं। तो ये थे मेरे गार्डन के कुछ फ्लावर्स जो मैंने आपको इस वीडियो में दिखाए हैं। कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताना, और मैं सबके नाम लिख दूंगा वीडियो में। फिर आपको कैसा लगा आप बताना ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।